फ्रेंड्स मेरा नाम है संजीत और मैं आज कुछ आपको बताने जा रहा हूँ रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट और अपना स्ट्रेटजी की मैं कैसे कैसे कर रहा इन्वेस्टमेंट जाता है तो मेरे फ्रेंड्स जो ग्रुप है हमारे तब मिल हम लोगों ने एक स्ट्रेटजी बनाई है जिसका नाम हम लोग स्मॉल कैश बोलते हैं और स्मॉल कैश या बकेट ऑफ स्टॉक्स कह सकते हो आप उसमें क्या कर रहे हैं बेसिकली हम ट्राइंग टू बंडल सम कपल ऑफ शेयर्स लाइक मोस्टली एट टू टेन शेयर्स जिसको आप एक साथ बाई करते हो और एक साथ सेल करते हो अब काफी लोगों का सवाल होता है कि एक साथ आठ या दस क्यों रीजन बिंग ये इससे हम लोग को मिनिमाइज रिस्क करना होता है और डाइवर्सिफाई करना होता है ताकि आपको रिटर्न्स कम मिलेंगे ओब्वियसली बट लेकिन आपका रिस्क काफी मिनिमाइज होगा क्योंकि अगर 10 में हो सकता है कोई तीन ज्यादा ऊपर के तीन चार अच्छा परफॉर्म कर जाए और बॉटम के तीन चार खराब परफॉर्म करते कम्पनसेट होकर ओवरऑल आपका पॉजिटिव रिटर्न ही रहेगा उसमें इससे रहता है कि आपका काफी सेफ हो जाता है और ये भी है कि दस स्टॉक्स में आपको लगता है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है कैसे आप निकालते हो तो ये टेक्निकली और फंडामेंटली स्टडी करके डीप स्टडी करने के बाद वो दस स्टॉक को चेंज किया जाता है एक प्रेजेंट एन एस सी एन बी एस सी तो थ्री थाउजेंड स्टॉक्स कर स्कैन करते हैं वीकेंड में ये जब टाइम मिलता है अपने दस स्टॉक दिखाया जाता है और मोस्टली वो फंडामेंटली और, और टेक्निकली दोनों साउंड होते हैं उसका तो मतलब अगर कुछ खराब भी हो जाता है वर्ष गेस में डाउन भी चली जाती है किसी चक्कर में नथिंग टू वरी वी कैन वेट फॉर समाइम वो रिकवर हो जाता है आराम से तो उसमें डरने की कोई बात नहीं होती है तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि वो स्मॉल केस क्या है और उसको कैसे यूज करना है मेन ऑब्जेक्टिव ये है इस वीडियो तो सेल कर सकते हो, कर सकते हो। वो है। अगर, वो अगर आपका और अगर आपके पास कोई ब्रोकर है सपोज शेर खान या एस सिक्योरिटी या डायरेक्ट जो से आप यूज करते हो जीरोडा है या स्टॉक है या मनी ग्रो है काफी कंपनीज आ गया जिसमें अगर आपको बकेट दे रहा है उसको भी क्लब कर ले सकते हो जिसमें एक शॉट में आप मल्टीपल बाय और सेल कर सकते हो तो कैसे करना है मैं आपको दिखाना जा रहा हूँ स्किल थ्रू तो सबसे पहले आपको लॉग करना पड़ेगा आपका ब्रोकर अकाउंट सपोज मेरा ब्रोकर का अकाउंट है काइट से लॉग इन करता हूँ पोर्टफोलियो क्या है मैं जाना चाह रहा हूँ स्मॉल केस पे तो कैसे करना है अपने सबसे पहले आपको जो ब्रोकर है उसका आप उससे कर लो अपना ठीक है मुझे लॉग इन किया कॉम जाना स्मॉल है अनुराग मैंने बनाया था इसको तो इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि ये जो भी अंडरलाइन ब्रोकर्स होता है उसका यूज करके बाइंग सेलिंग के लिए अपने प्लेटफॉर्म दिया जहां से एक साथ बाय और सेल कर सकते हो एक पंचो स्टॉक इवन इनके अपने खुद पहले से बने हुए इसको जाना पड़ेगा आपको स्मॉल कैश डॉट कॉम में यहां जैसे जाओगे इस वेबसाइट में तो यहाँ पे आप लॉग पे जाओगे लॉग इन करते हुए ये आपका नाम होगा ब्रोकर का नाम आप किससे आपका ब्रोकर है आप सब मैं जोरोडा लिंक है जोरोडा कर दो इसके यूजर नेम पासवर्ड एज इट इज सेम रहेगा जो आपका ब्रोकर करेगा आपको कोई नया क्रिएट नहीं करना है इनके पास काफी ऑप्शन है जीरोडा है फाइव पैसा है एंजल ब्रोकिंग है एक्सिस डायरेक्ट है एच डी एफ सी एस इन काफी इनके इनके काफी ज्यादा काफी ज्यादा इनके पास ऑप्शंस रहते हैं ठीक है तो आप किसी से भी आप कर सकते हो अगर भी है और और भी काफी एलिस भी है भी किसी से आप एग्जाम्पल मेरा केस में जोरोडा का मैं अकाउंट खुला हुआ है तब यहाँ पे जाओगे जोरोडा में जैसे क्लिक करोगे जैसे यहाँ जाओगे आप यहाँ पे तो यहाँ पे आपको सबसे पहला काम है क्रिएट में जाना है क्रिएट स्मॉल केस का नाम देना है क्या फॉर एग्जाम्पल अभी ट्वेंटी ऑफ फरवरी है यहाँ पे गए हम लोग और यहाँ पे जाके नाम कुछ भी दे सकते हो आप इसको ऑब्जेक्टिव क्या क्या चाहते हो उसको करना ऑब्जेक्टिव है कि इसको मैं

परसेंट मिल जाना चाहिए नॉर्मली केस में तो मिल भी जाता है मोस्ट तो ऑफ टाइम नहीं होता फिर विल सी व्हाट वी विल डू तो यहाँ पे आप जाओगे तो मैं स्टॉक का सवा ये स्टॉक है इस बार का जो मैं डालना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल पहला है सेंचुरी प्लाईवुड हम लोग जाएंगे सेंचुरी प्लाईवुड ये आ गया एक स्टॉक नंबर टू जेबी केमिकल्स जेबी जे भी केमिकल्स हो गया, उसके बाद है आपका बजाज इलेक्ट्रिकल और डीएलएफ सपोज ये हम लोग की लिस्ट बन गया यहाँ पे इस पे आई थिंक कितना स्टॉक कर देख करते हैं एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह

इक्वल होगा सपोज आपका एक लाख है आपने दस हजार लिया सबको दस दस हजार ऑटोमेटिकली ये प्लेटफॉर्म आपको दे दिया यही एक बेनिफिट है इसका यूज करने का आप जैसे ही करोगे तो ये होगा आप देखो इसमें दिया हुआ है और आपको कुछ नहीं करना यहाँ जाकर आप इन्वेस्ट करोगे जैसे क्लिक करोगे अभी तो मार्केट क्लोज दिखा रहा आई थिंक किसी चक्कर में तो यहाँ पर जैसे अभी मार्केट क्योंकि एनएससी में कुछ इशू आ रहा है मैं देख रहा हूँ नेट पे आ रहा था तो उस चक्कर में यहाँ इन्वेस्ट जैसे क्लिक करोगे आपको अमाउंट डालना है उसके बाद वो इन्वेस्ट होता है एक शॉर्ट में आपकी ये बाइंग हो जाएगी पूरी और वो दिखेगा तो ये, एक है इसका। तो ये आपको बताना चाहता है, कैसे यूज करते हैं। हम 3 -5 है तो जैसे ही हो जाए की मार्केट में नथिंग इज गारंटेड बट यस एज पर माइ एक्सपीरियंस नॉर्मली मिल ही जाता है तो इस केस में फिर हम लोग कर सकते हैं इसको इन्वेस्ट करके आप क्लिक ना करो और अपना अमाउंट इसमें डाल के इसको कर सकते हैं और जैसे एग्जिट होगा तो पे एग्जिट का बटन बन के आएगा अभी तो नहीं दिख रहा आपको एग्जिट कर सकते हो तो ये इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हाउ टू यूज दस कैसे यूज करते हैं तो आई होप लोगों को समझ में आया होगा नहीं समझ में आया तो कमेंट पे मैं यूट्यूब में इसको अपलोड करूंगा मैं इसको कमेंट में डाल के अपना पूछ सकते हैं कि कुछ में डाउट है तो मैं अपना उसमें आप पूछ सकते कैसे